देखिए, वजह यह है कि हम लोग टेट सफल सहायक अध्यापक हैं और पिछले 2 वर्षों से हम लोग जो है लगातार वेतनमान की मांग को लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। आप जानिएगा कि पारा शिक्षक हैं हम लोग और पारा शिक्षक का 20 वर्षों से अपनी मांग है वेतनमान। लोगों को लगता होगा, मीडिया वाले को भी बहुत लोगों को पता होगा कि पारा शिक्षक का अधिकतर मामला समाप्ति कर दी गई है, समाधान कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कुछ भी समाधान नहीं हुआ है। जहाँ स्थिति थी वो आज वही स्थिति है, सिर्फ मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है और न तो हमें परमानेंट किया गया है, न हमें स्थायीकरण किया गया है और न ही हमें वेतनमान दिया गया है। 14,042 की संख्या में हम लोग हैं राज्य में वर्तमान में 26,000 शिक्षकों की बहाली है, 50,000 सीट जो है वो क्रिएट किया गया है, 25,000 सीट हमारा है, हम उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। हम लोग चाहते हैं कि भाई जब डिपार्टमेंट में हम 20 वर्षों से हैं और NCT NEP के सारे मापदंड को फुलफिल कर रहे हैं, महाधिवक्ता का परामर्श है कि भाई जो टेट पास है, जो टेट एंड ट्रेन टीचर्स हैं, उसको आप गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दीजिए, तो आप सरकार महाधिवक्ता का परामर्श होने के बावजूद भी हमें गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट पे स्केल से दूर कर रही है। हमारी एक ही मांग है कि भाई जब महाधिवक्ता का परामर्श है तो आप हमें वेतनमान दे दो, 25,000 सीट हमारे लिए है, 25,000 सीट में हमको सीधे समायोजन कर दो। लेकिन इनका कहना है कि नया तरीके से बहाली करने की आवश्यकता, क्योंकि जब हम ऑलरेडी कार्यरत शिक्षक है, हम लोग वर्किंग टीचर है ना, वर्किंग टीचर पर फिर नए तरीके से आने की कहां क्या जरूरत है। बिहार में देखोगे कि BPSC के जरिए उनकी बहाली हो रही थी, आंदोलन किया वो लोग, आंदोलन करने के पश्चात जो है अभी तत्काल उन लोग को BPSC से मुक्ति कर दिया गया है। अब वहां कहा जा रहा है कि सीधे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। आप देखेंगे तो बिहार के जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, और झारखंड के जो हम लोग टेट पास सहायक अध्यापक है, कोई विशेष अंतर नहीं है। 60 ईयर्स का गारंटी उनका भी है, 60 ईयर्स का गारंटी हमारा भी है। उनको भी एक नियोजित शिक्षक का नामकरण दिया गया है, हमें भी सहायक अध्यापक का नामकरण दिया गया है। उनको पंचायत और प्रखंड शिक्षक का दर्जा दिया गया है, हमें भी पंचायत और प्रखंड शिक्षक का दर्जा दिया गया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिहार एंड झारखंड। डिफरेंस सिर्फ इतनी है सरकार की मानसिकता, वहां के सरकार में जो लोग हैं, वहां के आदिवासी मूलवासी और बिहारियों के लिए वो भला चाहती है, इसीलिए उनको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए तैयार है। और यहाँ सिर्फ जो है आदिवासी मूलवासी का शोषण करने के लिए सरकार बनी हुई है। 99.9% जो है हम लोग आदिवासी मूलवासी। बिल्कुल बातचीत हुई थी, हम लोग इससे पूर्व विधानसभा घेराव किए थे। विधानसभा घेराव में माननीय विधायक दीपिका सिंह पांडे, अंबा प्रसाद और इरफान अंसारी और विनोद सिंह आए हुए थे। हाँ, उन लोगों के तरफ से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री को सारा मामला उनको समझाए, मुख्य सचिव से हम लोग मिले, मुख्य सचिव ने भी हमारे मामले में इग्नोर नहीं कर पाया कि नहीं आपको वेतनमान नहीं मिलना चाहिए या आपका सीधा समायोजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि 50% जो सीट है उस पर सीधा समायोजन आप लोगों का होना चाहिए, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। लेकिन उनका कहना है कि अभी गाड़ी जो है आगे बढ़ गई है, तो गाड़ी किसने आगे बढ़ाया? राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया, विभाग ने आगे बढ़ाया, गाड़ी को आप रोकिए और 50% सीट पर हमको एडजस्टमेंट दीजिए। हमारा सीधा मांग है और हमारे मांग के प्रति तमाम दस्तावेज है, और एक भी विधायक, आप किसी भी विधायक से पूछ लीजिए, अगर वो कहेंगे कि इनकी मांग नाजायज है, हम लोग उठ के चले जाएंगे। हर विधायक कहते हैं कि इनकी मांग जायज है, यहाँ तक कि दीपिका सिंह पांडे खुद मुख्यमंत्री के समक्ष कहे हैं कि नहीं महाशय, ये जो है NCT NEP के सारे मापदंड को फुलफिल करते हैं, इनका काम होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इससे ज्यादा और क्या होना चाहिए? राज्य सरकार ऐसा कौन सा ट्रिक चाहती है जिसके अंतर्गत हमारी काम होगी? मैटर हम तो बोले कि सिर्फ मानसिकता की यहाँ कमी है। अगर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, तमाम लोग अगर पॉजिटिवली सोचे हमारे लिए, एक पल भी अगर सोच ले, तो देन एंड देयर हमारा फैसला हो जाएगा, क्योंकि हम जो है कहीं भी एजुकेशन में पीछे नहीं है, क्वालिफिकेशन में पीछे नहीं है। NCT NEP जो पूर्ण शिक्षक बनने का जो अहर्ता धारण किया हुआ है, उन्होंने जो अहर्ता रखा हुआ है, वो सारा अहर्ता हम फुलफिल करते हैं। लेकिन सिर्फ सरकार की मानसिकता के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण हम सड़क पर हैं। जी, उनसे बहुत सकारात्मक बात हुई थी। आज हमें बड़ा ही अफसोस है कि वे हमारे बीच नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन वे रहते तो आज ये स्थिति ना होती। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया था कि मैं अपने जीवित अवस्था में, अपने कार्यकाल में ही आप लोगों को समायोजित करके जाऊंगा, मेरी जितनी भी अवधि है, और हमें पूर्ण विश्वास था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अभी स्थिति देख लीजिए, हमें 9 घंटा के परीक्षा से गुजारा जा रहा है। आपको भी भली भांति मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष में एक शिक्षक बनने के लिए 9 घंटे की परीक्षा कहीं नहीं ली गई है।
रिकॉर्ड है, फिर झारखंड में ऐसा क्यों? इससे पूर्व भी आप 2012 के नियमावली के अनुरूप लोगों को आप बहाल किए, वे केवल टेट पास थे, फिर हमारे लिए ऐसा नियम क्यों कि आपको सुपर टेट से गुजरना होगा, वो भी 9 घंटे का? उसके बाद जो आप हमें वेतन मान देंगे, वो भी चपरासी वाला वेतन मान देंगे 2400 का ग्रेड पे, आखिर ऐसी स्थितियां उत्पन्न क्यों हो गई? इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित, कुचले, पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़े। जो ये नए तौर पर बहाली हो रही है वो सही है, एकदम सरासर गलत है, 100% गलत है। आप सोच लीजिए कि एक विद्यालय में 3 स्तर के शिक्षक होंगे, एक सरकारी शिक्षक जो 4200-4600 का ग्रेड पे पाएंगे, दूसरी जो बहाली होगी उसमें 2400-2800 का ग्रेड पे पाएंगे, और तीसरे जो हम पारा शिक्षक जो रह जाएंगे वे अभी 18000 से लेके 23400 का पेमेंट पाएंगे। अब आप सोच के देखिए कि संविधान के हमारा जो मौलिक अधिकार समानता का है वो कहां तक आप उसके साथ न्याय करते हैं। एक ही स्कूल में 3 से 4 तरह का वेतन मान दे रहे हैं, काम समान ले रहे हैं, काम वो भी व्यक्ति उतना ही आके कर रहा है, वो भी 6 घंटा बिताएगा, वो भी सारे रिपोर्ट्स बनाएगा, वो भी बच्चों को पढ़ाएगा, हम भी बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आप 3 तरह का वेतन दे रहे हैं, सोचने की बात है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।